अवरेज का 27 और 28, तो 27 और 28 लुक अध्याय 10, लुक अध्याय 10 और उसका 27 और 28, 27 और 28 लुक का अध्याय 10, लुक अध्याय 10 और उसका वचन 27 और 28, कैसे 27 और 28। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। मोशे म्हणतो, तज्ञाने उत्तर दिले, प्रभु जो कृपा देव यावर तू पूर्ण अंतःकरणाने पूर्ण जीवाने पूर्ण शक्तीने आणि पूर्ण बुद्धीने प्रीती कर आणि तू स्वतः जितके प्रेम करतो तितकेच प्रेम तू आपल्या शेजाऱ्यावरही कर। येशू म्हणाला, अगदी बरोबर सांगितले, तसेच कर म्हणजे तुला सर्व काळाचे जीवन लाभेल। आऊ मागो कबर करेंगे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। या मंदिर में जरूर वचन से भी प्रार्थना करें। तेरा नाम है प्रेमी पिता यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके चरणों के पास आकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते प्रभु। वचन आपकी ओर से प्रभु, वचन जीवित है प्रबल है हरे दोधारी तलवार से तेज है। इसलिए पवित्र पिता वचन ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना, मदद करना, हमारे कानों को चेत कि हम सुन सकें और हमारे हृदय को तैयार करें कि हम सुनकर पालन कर सकें। पवित्र आत्मा हमें आज्ञा पालन कर हृदय को पवित्र आत्मा धन्यवाद देते प्रभु। हम सबके मनों को आपका लहू लगा के भटकाने वाली, मन को भटकाने वाली अशुद्ध आत्मा को डिस्टर्ब करने वाली अशुद्ध आत्मा को यीशु के नाम से डांट कर बांध कर उसके कार्यों को क्रूस पर डालकर नाश कर दें और पवित्र आत्मा को खुला कर दें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वचन अगर आप 25वें वचन में पढ़ेंगे तो जो 25वें वचन तो वहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यवस्थापक उठा और उसने यीशु की परीक्षा करने के उद्देश्य से उसे कुछ प्रश्न पूछा। यीशु की परीक्षा करनी ऐसा कि क्या यीशु ने प्रश्न पूछा। मराठी में लिखा है कि एक तज्ञ, और मराठी में लिखा है एक तज्ञ व्यवस्थापक, मराठी में लिखा है तज्ञ, यानी कि जिसको बहुत ज्ञान है, जिसको बहुत ज्ञान है, जो बोलते हैं ना मतलब व्यवस्था के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ा है, यानी व्यवस्था विषय जैसे खूब कई वाचन, मोशे के नियमों के बारे में उसने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, यानी मोशे के नियम शास्त्र बदल गया खूब कई ज्ञान। ऐसा व्यक्ति अभी यहाँ पर लिखा है कि उसकी परीक्षा करने के लिए उसने प्रश्न पूछे, यानी त्याची परीक्षा घेण्यासाठी, यीशु की परीक्षा घेण्यासाठी त्याने एक प्रश्न विचारला। आज भी देखो संसार में बहुत से लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आणि आज पण या जगातील लोक जे जास्त शिक्षित असतात, ज्यादा वो लोग शिक्षण प्राप्त करते हैं, जास्त जे लोग शिक्षण प्राप्त करतात, संसारिक भी पहिले आपण संसारिक देखें, पहिले आपण संसारिक, जो लोग संसार का ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जेने जगह से जास्त ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो देखो हमेशा दूसरे को क्या करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नेहमी काय करतात दुसऱ्यांना खाली पाडण्याचा प्रयत्न, वो हमेशा ये दिखाते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे बहुत कुछ मालूम है, आणि नेहमी असं दाखवतात की मला सर्व काही माहित आहे। आपको ये मालूम है क्या? हाँ तुम्हारा ये माहिती का संसार में ऐसी ऐसी बातें आपको मालूम है, और जगह में ऐसा ऐसा गोष्ट तुम्हारा माहिती है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ऐसा ऐसा होता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ अच्छा अच्छा, और जिसको ज्ञान नहीं होता वो लोग हाँ ऐसे हुआ, एक घंटा वो लोग पकाते हैं, जिसको ज्ञान नहीं वो सुनता रहता है, हाँ और जिसको ज्ञान नहीं होता वो लोग फक्त ऐसे खा रहा है, और वो पकाते रहते हैं अंडे पकवत असतात, और वो जो जिसको ज्ञान नहीं है बेचारा वो सुनता रहता है, वो क्या करेगा, अंडे में ज्ञान नहीं है बेचारे ऐसे बस अंदर तेरे को काय, वो देखो जबरदस्ती सुनाते हैं अंडे को काय करता, सुनने की इच्छा नहीं रहती, अंडे ऐसे इच्छा नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, पर तो इस तरह लोग अपना जनरल नॉलेज बताते हैं, स्वतः जो जनरल नॉलेज सांत है खुद के बारे में बताएंगे, स्वतः खुद सांत है, वैसे ही मसीह में आने वाले लोग भी बहुत आए, लोग मसीह में आने के बाद भी इस व्यवस्थापक के जैसे काम करते हैं, अशिक्षित क्रिश्चियन मध्ये येणारे पण अशिक्षित तज्ञ सारखे अभी ये व्यवस्थापक को सारी व्यवस्था मालूम थे, यह व्यवस्थापक सभी सभी व्यवस्था माहित होती, मूसा के सारे नियम मालूम थे, मूसे के सर्व नियम त्याला माहित, वैसे ही बोलता है मसीह लोग जब चर्च में आते हैं कलीसिया में आते हैं, तसेच खूप सारे ख्रिस्ती लोग जब चर्च मध्ये येतात, वो लोग येतात बाइबल पढ़ते हैं, ती लोग बाइबल वाचते हैं, और यहाँ वहाँ से कुछ ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इधर तिथु देव से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, प्रियो हमें परमेश्वर का ज्ञान क्यों पाना है, प्रियो देव से ज्ञान अपने काम प्राप्त कराएगा, बताओ सांगा आपको प्रश्न पूछा है, तुम्हारा प्रश्न विचारेला है, बताओ सांगा परमेश्वर का ज्ञान आपको क्यों पाना है, आणि देवाचं ज्ञान तुम्हाला का प्राप्त करायचं आहे, कोई हमको भटका न सके, यानी कोई आपल्याला भटकवू नये, और हमें अनंत काल का जीवन मिले, सार्वकालिक जीवन, और कोई भटकाने वाला आकर हमें भटकाए नहीं, हमें भरमाए नहीं, यानी कोई भटकवणार नाही, येऊन आपल्याला भटकवू नये, और अजून हाँ प्रभु का वचन कहता है,
नाश हुए जा रहे। क्यों? बाकी लोगों नाश होते हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो हमें परमेश्वर का ज्ञान क्यों होना चाहिए? आपने देव से ज्ञान का आश्रय लिया है हम लोग नाश ना कारण आपने नाश हो गए। सही बात है। तो यानी आप सबको मालूम है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान क्यों होना चाहिए। मुझे तुम्हारा सगाई ना कि आपने देव से ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान आज क्यों प्राप्त कर रहे हैं? अरे सारे लोग देव से ज्ञान कहाँ प्राप्त कर रहा ताकि दूसरे मसीहों को बता सके कि देखो हम आपके पीछे से आए हैं। कारण दूसरा दिन सांगा कि भगवान ने तुमसे मालूम ना लेकिन हमें बहुत वचन मालूम है पर हमें खूब कई वचन नहीं देते। देखो इस अध्याय में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है मगर यहाँ अध्याय मध्य ऐसा वचन लिखेला है। पहला पत्र अध्याय 2:9 में ये वचन है। पहला पत्र अध्याय 2:9 में ये वचन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:10 में ये वचन है। प्रकाशित प्रकटीकरण अध्याय 1:10 में ऐसा वचन है। इस रीति से वो लोग क्या करते हैं? अच्छा लोगों का करता है दूसरे लोगों को बताने के लिए दूसरे ना सामने सकते कि हमें हमने अभी बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। आता हमें खूब का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमने मसीह के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और अभी फिर से हम खूब का ही अभी हम बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। आता हमें खूब का ज्ञान चल रहा है। इस रीति से दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं जबकि ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अच्छा रीति ने दाखों सड़ी लोगों को देवा शास्त्र ऐसा अर्थ ऐसा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पवित्र शास्त्र को इसलिए पढ़े ताकि हम दूसरों को दिखा सके कि हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं। देवल चीज है कि आप यहाँ से भी पवित्र शास्त्र वाचो नहीं कि आप लोगों ने रखा हो अपनी मनी को खुशा रहा। वो तो प्रभु की स्तुति हो कि आप लोग ने जो उत्तर बताया वो सही है। देवल की स्तुति असो कि तुम्हें जी का उत्तर सांगे थे योग्य है। मतलब आप परमेश्वर का ज्ञान क्यों ले रहे हैं? मुझे तुम्हें देवल से ज्ञान कहाँ लेता है? क्योंकि हम नाश ना हो कारण आप नाश हो रहे हैं। आप परमेश्वर का ज्ञान क्यों ले रहे हैं? ताकि हमें अनंत जीवन मिले। तुम्हें देवल से ज्ञान कहाँ लेता है? क्यों तो तुम्हारा सर्वकालीन जीवन कोई हमें भटकाए नहीं कोई हमें आज संसार में कॉम्पिटिशन के लिए परमेश्वर का ज्ञान मसीह लोग क्या कर दे रही है। आज जगह मुझे कॉम्पिटिशन साड़ी देवल से ज्ञान की लोग बहुत गलत है खूब चुकी से आए हुए। तो परमेश्वर की स्तुति होगी हमारे कलीसिया में ये समझाया जाता है ये बताया जाता है। अंतिम देव जी सुखिया से आपने मंडली में दिया समय कुछ समझ नहीं देता। हमें बताया जाता है कि परमेश्वर का ज्ञान हमें क्यों लेना चाहिए। मैंने अपने सामने देते कि आपने देव से ज्ञान कहा सकते। देखो जब बच्चा छोटा रहता है जो मूल लहान है उसे जब एक बात को हम बताते हैं चलो भाई अपने एक गोष्ट सांगतो तब वो बड़े बड़े होते जाने के बाद भी वो बात उसको याद रहेगी। तो मोटा मोटा बहुत गहरा तरीके में भी गोष्ट रक्षा आते तो छोटे बच्चे को सिखाते हैं बचपन से उनके मन में क्या किया है परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। देव से ज्ञान इसलिए देखो अभी हम बालक से थोड़े बड़े हो गए बालकों को बालक है क्या बालक होता है मसीह लोग अभी भी बालक है खूब सारे किसी लोग पौलुस क्या कहता है पौलुस क्या म्हणतो कि तुम्हें अभी समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था तुम्हारा वे तुम्हारा तो गुरु व्हायला पाहिजे लेकिन फिर भी अभी तुम्हें क्या करना पड़ रहा है पण तरी सुद्धा आता तुम्हाला काय करावं लागतं अभी भी तुम्हें दूध ही पिलाना पड़ रहा है आणि अजूनही तुम्हाला दूध पाजावं लागतं लेकिन हम लोग देखो आपण बघा समय के अनुसार थोडे बहुत तो बड़े हो चुके हैं आणि वेळेनुसार आपण थोडे का होईना आपण मोठे झाले आहोत इसीलिए हमने क्या किया है आरंभ की शिक्षा यानी जो हमें बताया गया था वो हमने ध्यान में रखा है प्रारंभ शिक्षा आपण काय केलेली आहे 8 महिने ठेवली आहे और ये बहुत जरूरी है आणि खूप गरज आहे तो कहने का उद्देश्य यहाँ पर जो व्यवस्थापक है आणि इथे जो तज्ञ आहे ये भी वैसे ही उसी कैटेगरी में आता है आणि ह्याच कैटेगरी मध्ये तो येतो वो भी क्या कर रहा है तो काय करता है वो सीधा यीशु की परीक्षा करने के लिए अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए तो स्वतः से ज्ञान सिद्ध करने और भीड़ के सामने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अन्य गर्दी मध्ये स्वतः करवण्यासाठी वो यीशु को परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है तो यीशु की परीक्षा लेने से भी प्रश्न विचारत आहे अब यीशु ने उसे क्या कहा आणि यीशु ने आता काय म्हणाला उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है आणि नियम शास्त्र मध्ये काय लिहिले आहे तू कसं वाचतो यीशु ने उसको प्रश्न पूछा आणि यीशु ने त्याला प्रश्न तू कैसा पढ़ता है मुझे क्या मालूम है आणि तू कसं वाचतो आणि तुला कसं माहित आहे तब उसने क्या उत्तर दिया
किया उसने पूरी पवित्र शास्त्र का सारांश बताया पूर्ण पवित्र शास्त्र का सारांश उसने कहा तो म्हणाला तू अपने प्रभु परमेश्वर से तू तुझ्या देवावरती अपने सारे मन से पूर्ण अंतःकरण अपने सारे प्राण से पूर्ण जीवन और अपनी सारी शक्ति और बुद्धि के साथ प्रेम रखना पूर्ण शक्ति ने बुद्धि ने देवावर प्रीति प्रेम देखा जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी व्यवस्था इस एक बार में पूरी हो जाती है सर्व व्यवस्थाएं एक दूसरे में पूर्ण होते हैं बहुत जरूरी है कि हम हमारे सारे मन से बुद्धि से प्राण से शक्ति से परमेश्वर से क्या करें एकमात्र परमेश्वर से प्रेम रखें खूब गरजेज है कि आप पूर्ण जीवाने पूर्ण बुद्धि पूर्ण शक्ति ने अपन देवावरती प्रेम करें हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्या करें अपने पूर्ण मन से परमेश्वर को चाहे परमेश्वर को प्रेम करें देव चाहिए कि अपन अपने पूर्ण मनाने देवाला प्रेम करावं ज्याला अपन त्याला अपन प्रेम करावं येशु जो इस पृथ्वी पर थे उसने भी क्या किया सारे मन से सारे प्राण से सारे बुद्धि से शक्ति से परमेश्वर को प्रेम रखा पूर्ण मनाने पूर्ण जीवाने पूर्ण शक्ति ने पूर्ण बुद्धि ने देवावरती प्रेम उसने अपने पिता परमेश्वर से प्रेम किया अपने पिता देवावरती प्रेम तो उसी रीति से परमेश्वर की इच्छा है जो कोई यीशु के पीछे चलता है जो कोई यीशु के आगे चलता है परमेश्वर की इच्छा है वो भी ऐसा ही काम करे देवाची इच्छा है की काम वो लोग भी क्या करना चाहिए क्या लोग पूरे मन से प्राण से शक्ति से बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए पूर्ण प्राणाने मनाने जीवन देवावरती प्रेम आगे लिखना है पूर्ण लिखना अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख अपने शेजाऱ्यावरती स्वतः इतकंच प्रेम कर आगे 28 वचन में हम पढ़ते 28 वचन में उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो तू जीवित रहेगा यीशु म्हणाले अगदी बरोबर सांगितले तसेच कर म्हणजे तुला सर्व काळाचे जीवन येशू ने कहा तू बहुत ठीक बताता है येशू म्हणाले तू अगदी बरोबर सांगितले जो कुछ बताया तू जे काही सांगितले जो कुछ लाईन बताया तुझे जी काही लाईन सांगितले बिलकुल सही है ती बरोबर आहे अगर तू ऐसा करता रहेगा तू जर असं करत राहिला तू क्या हो जाएगा तो तू काय होशील तू जीवित रहेगा तू जीवन राहशील क्योंकि येशू को मालूम था अगर परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य अगर मानता है तो व्यक्ति जीवित रहता है कारण येशू ख्रिस्ताला माहित होतं जो कोणी देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो त्याच्या सर्व आज्ञा मानतो तो जीवंत राहतो हम पढ़ेंगे अपन वाचूया लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 18 अध्याय 18 और उसका 5 त्याचा 5 लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 18 अध्याय 18 और उसका वचन 5 त्याचा वचन 5 लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 18 अध्याय 18 और उसका वचन 5 त्याचा वचन 5 इसलिए तू मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना जो मनुष्य उनको माने वह उसके कारण जीवित रहेगा मैं यहोवा मी तुमचा प्रभु देव आहे म्हणून मी दिलेले नियम तुम्ही पाळावे व त्याप्रमाणे काटेकोरपणे आचरण करावे तुम्ही त्यांचे पालन केले तर तुम्ही जगाल मी यहोवा तुमचा देव आहे मूसा के द्वारा कहे गए नियम के द्वारा आणि मोशेच्या द्वारे म्हटले गेलेल्या नियमाच्या द्वारे परमेश्वरने क्या कहा था आणि देव काय म्हणाला होता देखो जो येशू ने कहा तू जीवित रहेगा अगर इसका पालन करेगा तो आणि जसं येशू म्हणाला की तू जीवन जर असेल तर या आज्ञेचं पालन केलंस तर तो वैसे ही व्यवस्था ने क्या लिखा है तसंच देवी मध्ये काय लिहिलं आहे मी यहोवा हूँ मी देव मी अगर तू मेरी नियमों को जर तुम्ही माझे नियम और मेरी विधियों को आणि माझं सर्व निरंतर मानोगे आणि तुम्ही निरंतर मानत राहिलात तो तुम क्या हो जाओगे तो तुम्ही काय व्हाल उसके कारण तुम जीवित रहोगे त्याच्यामुळे तुम्ही जिवंत राहाल आपको समझ में आया यानी यीशु ने क्या किया उस व्यवस्थापक ने जो मूसा की व्यवस्था को पढ़ा था उसके अनुसार उसे उत्तर दिया आणि जे त्या व्यवस्थापकाने जे मोशेचं नियम सत्र वाचले त्याच्यानुसार देवाने त्याला उत्तर दिलं और बहुत जरूरी है परमेश्वर के नियमों को और विधियों को मानना खूब गरजेज है अपन देवाची विधि आणि नियम पालन करतो येशु कहता है जब हम विधि और नियमों के अनुसार चलते हैं आणि येशु म्हणतो जेव्हा आपण त्याच्या विधि आणि नियमानुसार चालतो तब हम क्या हो जाते हैं तेव्हा आपण काय होतो तब हम जीवित रहते हैं तेव्हा आपण जिवंत राहतो अभी यहाँ पर जो हमने ऊपर पढ़ा आणि आपण जे आता वरती वाचले अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख आणि स्वतःच्या शेजाऱ्यावरती स्वतःसारखं प्रेम पहिले हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है पहिला आपल्याला देवाला प्रेम करायचं दुसरा अपने आप से प्रेम रखना है दुसरा स्वतःवाला प्रेम करायचं और फिर हम हमारे पड़ोसी से प्रेम रखते हैं नंतर आपल्या शेजाऱ्यावरती आपल्याला प्रेम करायचे आहे यहाँ पर देखा है पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना आणि शेजाऱ्यावरती स्वतः इतकंच तो प्रेम करना यानी परमेश्वर से प्रेम करने के बाद हमें अपने आप को बचाना हमें अपने आप को प्रेम करना जरूरी है आणि येशूला प्रेम केल्याच्यानंतर स्वतःला वाचवणं आणि स्वतःला प्रेम करणं हे गरजेचं आहे इतना नाही एवढं नाही कुछ कुछ लोग देखो दिन भर अपने आप को ही सवारते रहते आणि दिवसभर काही लोक स्वतःला सांगतो इतना प्यार करते खुद को आणि एवढं प्रेम करते इतना प्यार करते खुद को इतना प्रेम करते स्वतःला कि पूछो ही कि विचारो कि दिन भर अपने आप को ही सवारते रहते आणि दिवसभर स्वतःला सजवत असतो अपने आप को ही देख रहे आणि स्वतःला सजवत असतो मैं ठीक दिख रहा हूं ना मैं ठीक दिख रही हूं मैं ठीक दिख रही हूं ना मैं बरोबर दिसते मैं अच्छी तो लग रही हूं ना चांगली तो दिसते मैं अच्छा तो दिख रहा हूं ना चांगला तो मेरा शर्ट बराबर है ना माझा शर्ट बरोबर आहे पॅन्ट इसको मॅचिंग हो रही है क्या पॅन्ट नहीं हो रही है निकाल के रखो दूसरे पे
पूरा दिन उनका अपने आप में ही दिखता है, पूरा दिवस स्वतः मध्ये चालतो। वैसा वाला प्रेम नहीं, तसा वाला प्रेम नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन अपने आप से प्रेम रखना यानी क्या? स्वतः प्रेम करना अपनी आत्मा को बचाना, अपने आत्मा वाचना। जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम रखता है, जो व्यक्ति स्वतः प्रेम करता वो क्या करता है? तो क्या करता? अपनी आत्मा को बचाता है, स्वतः आत्मा वाचना, अपने आप को बचाता है, स्वतः अपने आप को नाश होने नहीं देता, स्वतः को नाश होने देता। क्योंकि हमारे प्राण का मूल्य बहुत बड़ा है, कारण आपके प्राणों का जो मूल्य है वो खूब मोटा है। यीशु ने क्या कहा? 40 संसार से तुलना की एक आत्मा के, सर्व जगत से तुलना के लिए आए एक आत्मा को। इसे एक आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक आत्मा फार जरूरी है। हर एक व्यक्ति को अपना आत्मा बचाना ये हर एक का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना आत्मा बचाना ही कैसे करता है? जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति देव से प्रेम करता है, वो अपने आप से प्रेम रखकर अपने आप को नरक से बचाएगा। तो स्वतः प्रेम करो, स्वतः शांति में नरक में जाने को मत छोड़ो। वो नरक से अपने आप को क्या करेगा? तो नरक से स्वतः काय करे, वो अपने आप को बचाएगा, तो स्वतः वाचून ठेवेल। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को बचाए। हाँ, देव चीजें नहीं, अपन स्वतः वाचो। अपने पड़ोसी को बचाने से पहले हम स्वतः क्षेत्र वाचा होने चाहते हैं। पड़ोसी का नाश होने वाला है उसको हम बचा रहे, उससे पहले हम पहले अपने आप को बचाए। हाँ, क्षेत्र नाश होता है तो नाशा मध्य जाता है, त्याचा अपन आधी स्वतः वाचो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, मैंने ही देव जी अपने अपने इच्छा है। और जब कब हम हमारा नाश कब नहीं होगा? अरे आपका नाश केवल नहीं होगा जब हम परमेश्वर के नियमों को और परमेश्वर की विधियों को मानेंगे। जब हम देव जी विधि और नियमों से पालन करेंगे तब हम क्या हो जाएंगे? जब हम काय को, तब हम हमारी आत्मा को बचाएंगे यानी जीवित रहेंगे। अपने आप को क्या करेंगे? अपने आप को जीवित रखेंगे, स्वतः अपन जीवंत रहो। परमेश्वर ये चाहता है, देवाची इच्छा है। इसीलिए प्रियो प्रियनो अपने आप को बचाने के लिए, स्वतः अपने आप को पाप से दूर रखने के लिए, स्वतः पापा दूर। परमेश्वर ने हमें कुछ मार्ग दिए, कुछ जरिया दिया है। उपवास और प्रार्थना, जैसे उपवास उपवास और प्रार्थना से क्या होता है? उपवास प्रार्थना हम क्या करते हैं? अपने आप को बचाते हैं, अपन स्वतः वाचो। क्योंकि हम उपवास कैसे करते हैं? कारण उपवास अपन कैसे करते हैं? हम अपने शरीर में उपवास करते हैं, अपन अपने शरीर में। इसी कारण से जब हम उपवास करते हैं, जब अपन उपवास, जब हम उपवास में प्रार्थना करते हैं, जब अपन उपवास में प्रार्थना करते हैं, तब सबसे पहले क्या हो जाता है? हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर्व पहले अपन काय करते हो? स्वतः आत्मा वाचो। उपवास और प्रार्थना क्या करती है? उपवास और प्रार्थना क्या करते हैं? हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपन स्वतः प्रेम करते हो। इसीलिए मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि जो हड्डी और जिद्दी आत्माएं हैं जो जाती है, कारण जो जिद्दी और हड्डी आत्माएं जो आई जो जाता है। यीशु ने क्या कहा? यीशु काय म्हणाला? कि हड्डी और जिद्दी ऐसी जो जाती है, जो भूत है ऐसे जाति के भूत, आणि हड्डी आणि जिद्दी जातीचा जे भूत आहे वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलते। भी उपवास प्रार्थना से जाते हैं। तो जब हम उपवास करते हैं, जब अपन उपवास करते, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब अपन प्रार्थना करते, तब क्या हो जाता है? काय हमारे अंदर बसे हुए जो पुरानी बातें हैं, आणि आपल्यामध्ये बसलेली जे जुन्या गोष्टी आहेत, जो पुरानी बातें हैं, आणि ज्या जुन्या गोष्टी आहेत, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जे अशुद्ध आत्मे आहेत, जिनसे हम जगड़े हुए, जिनके बंधनों में हैं हमने, आणि ज्याच्याशी आपण जगडलेले आहोत, बांधलेले आहोत, वो जाती के जो भूत यानी दुष्टात्मा है वो क्या हो जाती है? निकल जाती है। त्या जातीची भूत आणि दुष्टात्मा निघून जातात। सबसे पहले उपवास और प्रार्थना में छुटकारा किसका होना चाहिए? आणि सर्व पहिले उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये छुटकारा कोणाचा झाला पाहिजे? अपने आप का होना, स्वतःचा झाला पाहिजे। दुष्टात्माओं से मुक्ति किसको मिलनी चाहिए? दुष्टात्मा से मुक्ति कोणाला मिळते? उपवास और प्रार्थना में सबसे पहले हमें, उपवास और प्रार्थना में सर्वात पहले, इसके बाद हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, त्याच्यानंतर आपण दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करू शकतो। हमें जब कहा जाता है आओ हम खड़े हो जाएंगे, हम दुष्टात्माओं को निकालेंगे। जब आपल्याला सांगितलं की या उभे करून आपल्यामध्ये दुष्टात्मा, हम बहुत हिम्मत से खड़े होते हैं, आपण खूप हिमतीने उभे राहतो, और फिर खड़े होने के बाद आणि उभे राहिल्याच्या नंतर पहले स्त्रियों को बताते, स्त्रियां कैसी करेंगी? स्त्रियां कैसे करती? अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से मैं आपके चरणों के पास आकर प्रार्थना करके मेरे पति के अंदर से जो दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम से मुझे छनने वाली, दारू पी के मुझे रुलाने वाली अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, मेरे बच्चों के अंदर मस्ती करने वाली अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। सर्व पहले स्त्रियां काय करतात? आपल्या नवऱ्यांमधून आणि आपल्या मुलांमधून दुष्ट आत्मा काढतात। काम मिळणे न देणे वाली अशुद्ध आत्मा निकल जा, आणि काम न भेटू देणे मेरा पति मुझे पैसा नहीं देता है तो उसके पीछे काम करके निकल जा। माझा नवरा मला पैसे देता है त्याच्या मागे तू काम करते, येशूच्या नावात निघून जा। पुरुष लोग भी वैसे, पुरुष लोग पण
परेशान करने वाली अशुद्ध आत्मा निकल जा। आणि मी कामावरून आलो तर माझ्या कुटुंबाला खूप त्रास देतात, म्हणून त्रास देणारी अशुद्ध आत्मा त्यांच्या मेरा बॉस बहुत किकिट करता है। माझा बॉस बहुत उसके पीछे भी बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है। आणि त्याच्या मागे खूप मोठा दुष्ट आत्मा निकल जा। निघून जा। पडोसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जा। आणि शेजारच्या मधून दुष्ट आत्मा निघून जा। वो मेरे दरवाजे पे कचरा डालते है। आणि तो माझ्या दरवाजा मध्ये कचरा टाकतो। हम क्या करते है, आपण काय करतो, दुसरे की दुष्ट आत्माओं को निकालते है, दुसऱ्यांच्या दुष्ट आत्मा काढतो। सही बात है ना, पहली दुष्ट है। दूसरों को क्या करेंगे, दूसरों को साफ करते हैं। मैं दूसरे ना साफ कर दो, अपने अंदर बैठी हुई दुष्ट आत्मा फिर क्या बोलेगी, तो आपने मुझे बोलते हैं दुष्ट आत्मा काय मने निकल निकल हाँ काट काट आओ पहले उसको साफ कर। मैं पहले जरा साफ हाँ देखो उधर बैठी है उसके अंदर वो बैठी है मैंने वो तिकड़े बोलते हैं कि जो मुझे आओ उसको पहले साफ कर पहले जरा साफ हाँ तेरे पति से पति के अंदर से निकल आणि तुझ्या नवऱ्याच्या आतमधून काढ तेरे बच्चों के अंदर से निकल तुझ्या मुलांच्या आतमधून काढ पडोसी के अंदर से निकल शेजारच्या आतमधून काढ नहीं मुझे मत निकल पण मला काढू नको। हमारे अंदर बैठी हुई दुष्ट आत्मा क्या करती है, तब आनंद लेती है। आणि आपल्यामध्ये वास करणारे दुष्ट आत्मा काय करते, ते आनंद देते। बहुत गलत है, आणि खूप चुकीचं आहे। ही जो हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आपको जो कहा जाता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तब आपको अपने अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालना है। आणि जेव्हा उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये तुम्हाला सांगण्यात येते की आपल्याला दुष्ट आत्म्यांना काढायचं, तर सर्व पहिले आपल्या स्वतःच्या आतमधून आपल्याला दुष्ट आत्म्यांना काढायचं। अपने आप को हमें क्या करना है, पहले साफ करना है, पहले स्वतःला आपल्याला साफ करायचं। येशु ने क्या कहा, येशु काय म्हणाले, तो अपने भाई के आंखों की टिंगे को देखता है आणि तुझ्या भावाच्या डोळ्यांचा कुसळ पाहतो। तेरी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता आणि तुझ्या डोळ्यांचा कुसळ तुला दिसत नाही। इसलिए येशु ने क्या कहा, सबसे पहले तू क्या कर, अपने आप को शुद्ध कर। म्हणजे येशू म्हणाले, सर्वात पहिले तू स्वतःला शुद्ध कर। आपको समझ में आया, मला इसलिए बहुत जरूरी है उपवास और प्रार्थना हमारे खुद के लिए। म्हणून खूप गरजेचं आहे उपवास आणि प्रार्थना स्वतःसाठी। उपवास प्रार्थना में हमारे खुद के बंधन टूटना बहुत जरूरी है आणि उपवास प्रार्थनेमध्ये स्वतःचे आपले बंधन टूटना फार गरजेचं आहे। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे कि यमुना के चेले जब येशु के पास आए, अगर तुम्हें वाक्य जो यमुना जैसे शिष्य होते थे येशु ने आए, तो उन्होंने येशु से पूछा, तो उन्होंने येशु ने विचार किया, हम निकालेंगे मकी आपण पढ़ो ना मकी अध्याय नौ और उसका चौदह कैसे चौदह मकी अध्याय नौ मकी अध्याय नौ और उसका चौदह कैसे चौदह पसंद मकी अध्याय नौ और उसका चौदह से हम पढ़ रहे हैं तो चौदह को सुना समा सकता हूँ। तब यमुना के चेले ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैमन पुराने वस्त्र पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैमन उस वस्त्र से कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है, और लोग नया नाकरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और नाकरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया नाकरस नई मशकों में भरते और वे दोनों बचे रहते हैं। एक ही दिवशी बपतिस्मा करणारे यूहन्नाचे शिष्य येशूकडे आले आणि त्याने त्याला प्रश्न केला, गुरुजी आम्ही आणि फरीसी लोक उपवास करतो, तसे तुमचे शिष्य उपवास का करीत नाही? तेव्हा येशू म्हणाला, वर बरोबर असताना त्यांच्या भावनेने शोक करावे योग्य आहे काय? अशी वेळ नाही की मला त्यांच्यापासून काढून घेण्यात येईल आणि मग ते उपवास करतील। कोणी कोऱ्या कापडाचे ठिबळ जुन्या वस्त्राला लागत नाही, कारण ते ठिबळ वस्त्राला फाडेल आणि छिद्र अधिक मोठे होईल। त्याचप्रमाणे नव्या द्राक्षरस जुन्या पुदऱ्यात कोणी घालीत नाही, कारण जुने पुदरे नव्या द्राक्षरसाच्या दाबाने फुटून जातात, द्राक्षरस सांडतो आणि पुदऱ्यांचा नाश होतो। नवा द्राक्षरस भरून ठेवण्यासाठी नवेच पुदरे वापरले पाहिजे, म्हणजे दोन्ही साफ होते। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कितने दिवस वचन काय म्हणते, यहोवा के चेले येशु के पास आकर उससे पूछ रहे थे आणि येशु ने त्यांना विचारलं की फरीसी लोक फरीसियों के चेले अब हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं आणि फरीसी लोक आणि यहोवाचे शिष्य आम्ही सगळे जण उपवास करतो, लेकिन तेरी चेले उपवास क्यों नहीं करते, पण तुझे शिष्य उपवास नाही करत? अगर देखा जाए तो सच में शिष्य येशु के साथ जब थे तो वो लोग उपवास नहीं करते थे। आणि बघण्या जर ते येशु के शिष्य खरंच येशु बरोबर असले तर उपवास करत होते, जुने मशके थे म्हणून ते जुने बोलले होते, बने हुए नहीं थे, ते बनलेले नव्हते, येशु के साथ साथ चलते थे आणि येशु च्या सोबत सोबत चालायचे, येशु के साथ उठते थे बैठते थे खाना खाते थे आणि येशु वर उठायचे बसायचे जेवायचे, लेकिन फिर भी वो बने हुए नहीं, पण तरी सुद्धा ते बनलेले नव्हते, फिर भी वो कहते थे पुराने मशकों के जैसे, आणि तरी सुद्धा ते जुन्या पुतळ्यांसारखे होते। वो अपना पुराना मनुष्यत्व को लेकर येशु के पीछे चल रहे थे आणि जुना मनुष्यत्व घेऊन ते येशूच्या मागे चालत होते, क्यों? क्योंकि उनका उपवासाचा जीवन नाही, का? कारण त्यांचं उपवासाचं जीवन नव्हतं, संदेह संदेह दर
क्योंकि ये सबसे वो लोग भरे हुए थे। यह समय मुस्लिम ने बाल विवाद करना, वाद विवाद करना, गुड़गुड़ाना, गुड़गुड़ करना, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक वेतन पर दोष लगाना, ये किसके लक्षण है? हाँ, ये कोणाचे लक्षण आहे बताओ सांगा। दोष लगाने वाला कौन है? दोष लगाने वाला कौन आहे है ना, मतलब उनके अंदर भी क्या थी, होते होते जो उन्हें खुद उससे मुक्त होना जरूरी था, जो अपने आप में दुष्ट आत्माओं को लेकर चल रहे थे। फिर से एक लड़का परेशान था, उनका परेशान तो ग्रस्त होता और शिष्य के पास उसको लेके लेके जाया गया। शिष्य आंदोलन आया, सारे शिष्यों ने प्रार्थना किया, दुष्टात्मा निकली नहीं। सर्व शिष्य ने प्रार्थना की, दुष्टात्मा निकली नहीं। शिष्य ने यीशु को क्या पूछा? शिष्य ने यीशु का क्या विचार? यीशु ने उस दुष्टात्मा को डांटा, दुष्टात्मा चली गई। यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और निकल गया। शिष्य आके यीशु को पूछते, हम क्यों नहीं निकल पाए? शिष्य ने विचार, जाने का नहीं काटू शुक्र खुद दुष्टात्मा से भरे हुए व्यक्ति क्या पूछ रहे हैं? स्वतः दुष्टात्मा से भरे हुए व्यक्ति का विचार है, हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? हमें जरा का नहीं काटू शुक्र यीशु ने क्या कहा? यीशु का मनाला बताओ, आपने पढ़ा है ना, बताओ कौन से अध्याय में, कौन से अध्याय में सांगा बताओ। अरे बताओ, कितना ढूंढा ना हम लोग ने, बाबरे हमको मिल नहीं रहा था, ढूंढ ढूंढ के आखिर में मिला, हमें चौदह चौदह मिल गया। बताओ मध्य मध्य अध्याय, मध्य अध्याय सत्रह सत्रह मध्य में भी, मरकुस में भी है, लुका में भी है, मार्क वाले बना है, लुक वाले बना है। अभी देखो 19वें वचन में क्या कहता है प्रभु का वचन, अनेकों वचन में देवा काय म्हणतो वचन। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? मग यीशु ने शिष्य त्याच्याकडे खासगी रीतीने आले आणि त्याने त्याला विचारले, आम्हाला त्या गुटाला का काढून टाकले नाही? अभी यीशु कहता है तुम्हारे विश्वास की वृद्धि के कारण, यीशु म्हणतो तुमच्या आरोग्य विश्वास आहे। अभी 21वें वचन में पढ़ो, 21वें वचन मध्ये वाचा, तरी पण असले जाते ते भूत प्रार्थना आणि उपवास केल्याशिवाय जात नाही। काय होत नाही? असल्या जातीची भूत उपवास आणि प्रार्थनेशिवाय निघत नाही। येशू ने उनको बताया तुम्हें भी क्या करना है, उपवास और प्रार्थना। येशु उपवास करता था लेकिन उसके शिष्य नहीं करते, आणि येशु उपवास करत होता त्याचे शिष्य उपवास करत होते, इसलिए येशु सामर्थी था। म्हणून येशु सामर्थी होता, उसके शिष्य कब सामर्थी हुए? आणि त्याचे शिष्य केव्हा सामर्थी? उपवास और प्रार्थना करने लगे, जब ये लोग उपवास और प्रार्थना, जब यीशु उठा लिया गया, जब यीशु उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, तब जाकर शिष्य क्या करने लगे? तब जाकर शिष्य काय करने लगे? उपवास, उपवास और प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब वो लोग ने उपवास करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने उपवास करना चालू किया। और जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करने की शुरुआत की, जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करने की शुरुआत की, कितनी जातियों के दुष्टात्माओं को उन्होंने अपने अंदर से भी निकाला और दूसरों के अंदर से भी, कितनी जाति से दुष्टात्मा दूसरे है ना, पहले उन्होंने अपने आप से निकाला, पहले स्वतः बंधन काढले। थोमा पहले संदेही था यानी अल्पविश्वासी था, आणि थोमस जो होता तो पहले अल्पविश्वासी होता, उसके अंदर विश्वास की घटी थी, त्याच्यामध्ये विश्वासाची कमी होती। जब लाजरस मर गया, जेव्हा लाजरस मेला, येशु ने क्या कहा? येशु काय म्हणाला? आओ हम उसके पास चले, या आपण त्याच्यामध्ये जाऊ। थोमा ने क्या कहा? थोमस काय म्हणाला? चलो हम उसके पीछे मरने चले, आणि चला आपण त्याच्यामध्ये मारायला जाऊ। यानी उसके अंदर क्या था, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं? विश्वास की बहुत घटी थी, विश्वासाची खूप कमी होती। मुझे बताओ, जब वो पवित्र आत्मा से भरा, मेरा संग जब तो पवित्र आत्मा ने भर लिया, और जब वो हमारे यहाँ पर आया, जब तो आपने इसलिए सबसे पहले प्रचार किया, सर्वप्रथम ने प्रचार किया, विश्वास से उसने कहा,
तरी विश्वासाने तो म्हणाले की हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर आणि आपला देव जीवंत देव हमारा परमेश्वर काम करता है आणि आपला देव काम करता है एक मात्र परमेश्वर है आणि तो एक मात्र देव है संदेह उसके अंदर से क्या हो गया चला गया आणि शोक त्याच्यामधून निघून गेला जब वो इस्राएल से लेकर हमारे भारत देश तक आया होगा जेव तो इस्राएल पासून आपल्या भारत देशापर्यंत आला असेल नेचुरली वो जहाज से आया होगा नेचुरली जिथून तो आला असेल जहाजातून जहाजातून जहाज जहाज से आया होगा जहाज में आया था तो जहाज में इतना दिन तक उसने यात्रा किया जहाज दिवसपासून यात्रा की खाना पीना जीवन पास मछली तो निकाल निकाल के कच्ची खा नहीं सकता मासे कच्चे काड़ो तो खाऊ नहीं सकता तो नेचुरली उसका उपवास हो गया होगा ना मुझे तो उपवास झाला असेल ना उसने उपवास किया होगा त्याने उपवास केला असेल प्रार्थना की होगी मुझे सामर्थ्य में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तेरे बारे में बता सकूँ आणि त्याने प्रार्थना केली असेल की मी जिथे जाणार तिथे सांगण्यासाठी तू मला सामर्थ्य दे मुझे मदद कर मला मदद कर मेरे विश्वास को बढ़ा माझ्या विश्वासाला वाढव है ना उसने बोला होगा ना तो म्हणाला असेल ना आप मुझे बताओ तुम्हें मला सांगा कितने दिन का खाना लेके आया होगा वो वहां से भागकर आणि किती दिवसाचा जेवण तो इथून घेऊन आला असेल मतलब उसका उपवास हुआ म्हणजे त्याचा उपवास झाला सही बात है ना शिष्य उसके बाद उपवास करने लगे आणि शिष्य त्याच्यानंतर उपवास और लोगों ने क्या किया त्यांनी काय केलं अपना छुटकारा करवाया और दूसरे का भी स्वतःचा छुटकारा त्यांनी करवला आणि दुसऱ्याचा इसलिए शिष्य आगे चलते थे म्हणून शिष्य पुढे चालायचे और लोग क्या करते थे उनकी छाया में लोग दीवारों को लेटा के रखते थे आजारी लोग उनकी छाया ऊपर पड़े कि जैसे शिष्य की सावली देखी छंगे हो जाए एंड देन आरोग्य बेटा हो बीमारी भी दुष्ट आत्मा है आणि आंजन पण एक दुसरे को दुष्ट आत्मा कैसे गई म्हणजे दुष्ट आत्मा वही जे सामर्थ्य कैसे बने आणि वही सामर्थ्य कशी काय उपवास और प्रार्थना उपवास आणि प्रार्थना इसी कारण से म्हणून प्रिय परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा देवाचं वचन जे आपण वाचलं मत्ती अध्याय 9 में मत्ती अध्याय 9 मध्ये प्रभु का वचन कहता है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता आणि नवीन द्राक्षरस जुन्या पुतळ्यांमध्ये भरण्यात नाही इसलिए नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है नवीन द्राक्षरस नवीन पुतळ्यांमध्ये हम नए मशके होना बहुत जरूरी है आपण नवीन पुतळे होणे खूप गरजेचं आहे इसीलिए हमें अपने आप को प्रतिदिन साफ करना चाहिए म्हणून आपल्याला प्रत्येक दिवशी स्वतःला साफ करायचं इसीलिए प्रार्थना और हमारे पापों की क्षमा मांगने से हम क्या हो जाते हैं हर दिन परमेश्वर हमें नया कर देता है आणि प्रार्थनेच्या धन्याने क्षमा मांगी त्याच्याद्वारे देव काय करतो आपल्याला प्रत्येक दिवशी नवीन बनवतो जब हम उपवास में आते जब हम कभी भी प्रार्थना में आते हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हम नए बनते हैं प्रियो जब आप उपवासामध्ये आणि प्रार्थना करतो पश्चाताप करतो तेव्हा आपण नवीन रीतीने बनतो हम नए मशके बनकर बाहर जाते हैं आणि नवीन पुतळे बनून आपण बाहेर जब हम संसार में रहते संसार की धूल भी लेके वापस पुराने बन जाते और फिर वापस यहाँ आते प्रभु वापस नया बना देते आणि जेव्हा आपण जगामध्ये राहतो नवीन मग काय होतं आपण धूल भी लागून आपण पुन्हा जुने बनून जातो आणि मग इथे मंदिर मध्ये आल्याच्यानंतर आपण आपल्याला देव पुन्हा नवीन बनवतो लेकिन हमें अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरना है पण आपल्याला जर देवाला सामर्थ्याने भरायचं आहे हम जुने मशके बनकर नहीं भर सकते तो जुने पुतळे बनून आपण देवाच्या आपल्याला याच्यामध्ये भरू नाही शकत जुने मशके बनकर हम कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चल नहीं सकते आणि जुने पुतळे बनून आपण कधी देवाच्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालू नाही शकत हमें क्या करना है आपल्याला काय हमारी जुनी बातों को निकालना है आपल्याला जुन्या गोष्टींना काढायचं आहे बहुत जरूरी है खूब गरजेचं आहे हमारी जो अंदर जुनी जुनी बातें बैठी हुई है आणि आपल्यामध्ये ज्या जुन्या जुन्या गोष्टी बसतात हम जिस जुने बंधनों में बंधे हुए हैं ज्या जुन्या बंधनांमध्ये आपण जकडलेलो आहोत जिस दुष्ट आत्मा से हम जकडे हुए हैं ज्या दुष्ट आत्म्याने आपण जकडलेलो आहोत जो बातें हम वारंवार करते हैं आणि ज्या गोष्टी आपण वारंवार करतो जिसके कारण हमारे मशके पुराने बन जाते आणि जसे तुम्ही आज आपले पुत्र आहेत ते जुने बनून जातात उन बातों को हमें क्या करना है खाली कर देना क्या गोष्टी आपल्याला खाली करायचे हम देखो अगर मटके में पानी रहेगा जर मटके मध्ये पानी असेल एक महिना होके गया है एक महिना होके एक हफ्ता होके गया है तो एक आठवडा और जब नया पानी आता है जब नवीन पानी हम उसी जुने पानी में नया पानी भरते हैं क्या आणि त्या जुन्या पाण्यामध्ये नवीन पानी आणून असं भरतो का बघा ग्राम पंचायत का नल जिन जिन के पास रहेगा ना उनको मालूम है आणि ग्राम पंचायत का नल जिन जिन जगह में आए त्यांना माहित आहे बोरिंग का पानी भी वैसा ही है आणि बोरिंग का पानी ज्यादा दिन तक भर के रखो नीचे देखो सफेद सफेद होता है और ऊपर भी सफेद सफेद ऐसा आता है आणि जसं दिवस भरून ठेवलं तर खाली पण सफेद सफेद होता नाही पाण्याच्या वरती पण असं सफेद म्हणजे भर के रखते जेव्हा अनुभव होगा आणि जे हंड्यामध्ये भरून ठेवलं त्यांना अनुभव असेल ग्राम पंचायत का पाणी भी वैसा ही आणि ग्राम पंचायतचं पाणी पण तसं आहे अगर हम भर के रखेंगे हंड्यामध्ये भरून ठेवलं तो जो मिट्टी देती है वो नीचे नीचे जमा हो जाती है जी माती आणि खाली जमा होऊन जाते सही बात है हम उसी में वापस नया पानी भरते आपण त्याच्यामध्ये पुन्हा नवीन पाणी भरतो का बताओ तो सांगा सगळ्यांना मतलब कुछ कुछ लोग मुंडी नहीं हिला रहे वो लोग उसी में भरते और जो लोग मुंडी हिला रहे वो
और नया पानी भर दे, बताओ अभी समझ में आया? ठीक है ठीक है, तो मतलब अभी समझ में आया कि आप क्या करते हैं। तो कहने का उद्देश्य, जो लोग उसी पानी में भरते हैं जिन लोगों को प्यास पानी, वो लोग बहुत आलसी हैं, जिन लोगों को आलसी है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मुर्दे लोग पानी करते हैं, कचरा नहीं उड़ा उठा ठंडा होता है ऐसा, और भी इतना बड़ा ठंडा होता नहीं, वो उठ रहा है तो खाली कर रहा है, वो उठाने का उसको खाली करने का, जहाँ भी पाइप तेल पकड़ ला, पाइप तेल पकड़ ला, ठंडा भर ला, ठंडा भर ला, एक तांबा का नाट लगा देगा, और एक एक ही लोटा पानी उसमें से निकाला है मैंने, बस कोई बात नहीं, भर गया। तो क्या करते हैं, पानी भरेंगे टोप में और वो घंटे में डाल देंगे, टोप में पानी भरो, आलसी लोगों के, आलसी औरतों के लक्षण है वो, आलसी स्त्री के लक्षण है, हमको समझ में आया समझ। लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री रहती है, बुद्धिमान स्त्री होती है ना, और जो आलसी नहीं रहती वो क्या करती है, फिर क्या करती है, नया पानी आने के बाद उस घंटे को अच्छे से धो के साफ करके फिर भरती है, नवीन पानी आने से अंदर अंदर चांगे रहती है, धोती है वैसे ही हमें भी क्या करना है, आपको अंदर से पूरी रीति से धो देना है, उसके बाद पवित्र आत्मा का साफ और शुद्ध जल हमें भरना है, पवित्र आत्मा से शुद्ध जल जो माती खानी बसलेली आहे, दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्मा आहे, अक्षमा के बंधन है, अशनीची बंधन आहे, और जो जो काम हम करते हैं, आणि जी जी काम आपण करतो उससे हमें क्या करना है, त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं, पहिले निकालायचं, त्या मातीला पहिले काढायचं, साफ करना है अपने आप, साफ करायचं स्वतः, फिर शुद्ध पाणी अपने उठा, मग शुद्ध पाणी स्वतःमध्ये भरायचं, इसलिए बहुत जरूरी है उपवासात राहणं, म्हणून खूप गरजेचं आहे उपवासात, उपवासात राहता हम अपने आप से प्रेम करते और फिर हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं, आणि उपवासाने प्रार्थनेमध्ये पहिले आपण स्वतःला प्रेम करू लागतो, त्याच्यानंतर आपण आपल्या शेजाऱ्याला, इसलिए अपने आपको पहले शुद्ध करो, स्वतः पहिले शुद्ध करो, फिर दूसरे के अंदर से क्या करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, उन्हें शुद्ध करो, नंतर दुसऱ्यांमधून दुष्ट आत्मे काढा, नहीं त्यांना शुद्ध करा, ये बहुत जरूरी है, ये खूप गरजेचं आहे, इसलिए अभी हम पश्चाताप की ओर जाएंगे, तो हम पश्चाताप सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्व पहले हम अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफी मांगेंगे, अपने पापों से लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम सब लोग रुके रहो, और हम परमेश्वर से सबसे पहले हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे, और सर्व पहले अपने पापों से अधर्मों से हम देवाने क्षमा मांगेंगे, और क्षमा के बंधन को तोड़ देंगे, और क्षमा के बंधन पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांगना, पहले अपने पापों से क्षमा मांगना, उसके बाद जिन्होंने आपको दुखाया है उनके पापों के लिए क्षमा मांगना, जैसे तुम्हारा दुखा है पापा से क्षमा मांगना, यानी आपने बोला कि प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूँ, बोला प्रभु मेरा क्षमा करो, मैंने भी अक्षमा के बंधन रखे, मुझे माफ करो, मेरा माफ करो, और इन्होंने मुझे दुखाया मैं इनको क्षमा करो, क्षमा करो, आओ हमारी आंखों को बंद करेंगे, बंद करो, और सबसे पहले हम हमारे पापों के लिए माफी मांगे, सर्व पहले अपने पापा से भी क्षमा, प्रभु को कहेंगे कि प्रभु मुझे नया बना, मेरा नवीन बना, मुझे जरूरत है, मैं नया बनना चाहता हूँ, मेरा गरज है नवीन बने, मेरे अंदर से पुरानी बातों को दूर कर दे, माझे अंदर जुन्या गोष्टी काढून मुझे नया बना दो, मेरा नवीन बनो प्रभु, अपने पापों के लिए माफी मांगो, अपने पापा से भी देवा क्षमा मांगो, क्षमा के बंधनों से अपने आप को मुक्त करो, अक्षमी जो बंधना पासून सोडा, जो बंधन आपके जकड़े हुए सारे बंधनों से अपने आप को छुटकारा देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, जो बंधन तुम्हें जकड़े हुए हैं त्या बंधनांपासून तुम्हाला मुक्ति भेटण्यासाठी तुम्ही देवाकडे प्रार्थना करा, अपने आप को साफ करो, अपने आप को साफ करो, हमारे अंदर जो जो दुष्ट आत्माएं बसी हुई है सारी दुष्ट आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा दे, सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाओ, उपवास और प्रार्थना में ऐसी जाति के गुण निकलते हैं, इसीलिए अपने आप को शुद्ध करो, जो जो आपके अंदर बैठी हुई दुष्ट आत्मा है, जो जो आपको सताती है, आपको तकलीफ देती है, आपको रुलाती है, आपको बारंबार पाप में लेके जाती है, इसी सारी दुष्ट आत्माओं को आप ही इसकी गली में यीशु के नाम से निकालो, इसी घड़ी यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्माओं को हम बांधते हैं जो हमें पीड़ा देती है, यीशु के नाम से, और उसे अथाह गड्ढे में निकल जाने की आज्ञा दे, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं
जो हमें पाप में गिरा दिए, बारंबार हमसे पाप करवा दिए, ऐसी अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से हम मानते हैं। अभी इस उपवास और इस प्रार्थना में अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से सारी दुष्टात्माएं निकल जाना है। यीशु के नाम से हम तुझे मानते हैं, सारी दुष्टात्माओं को आज्ञा देते हैं और उसे अथाह गड्ढे में निकल जाने की आज्ञा देते हैं। बारंबार पाप में गिराने वाली अशुद्ध आत्मा, बारंबार इनसे पाप करवाने वाली अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से हम तेरा विरोध करते हैं और तुझे निकल जाने की आज्ञा देते हैं। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से छुटकारा, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से हम हर एक छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से इनकी आंखों में बैठी हुई अशुद्ध आत्माओं को हम डांटे और उसे निकल जाने की आज्ञा देते हैं। पीठ के ऊपर बैठी हुई अशुद्ध आत्माओं को हम डांटे, उसे अथाह गड्ढे में निकल जाने की आज्ञा देते हैं। इनके पैरों में बैठी हुई अशुद्ध आत्मा को हम बांधते हैं और उसे अथाह गड्ढे में निकल जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से इनके सिर पर बैठी हुई अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। अभी इसी घड़ी हम तेरा विरोध करते हैं, यीशु के नाम से निकल। अभी इसी घड़ी तू इस शरीर में रह नहीं सकती, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस शरीर में सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अधिकार है, पवित्र आत्मा ने रहता है। इसलिए दुष्ट आत्मा निकल जाए, इनके पेट में बैठी हुई दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से हम डांटते हैं और तुझे निकल जाने की आज्ञा देते हैं। निर्जन स्थान में निकल जाए अशुद्ध आत्मा, इनके हाथों में बैठी हुई अशुद्ध आत्मा निकल जाए, इनके कंधे पर बैठी हुई अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, इनके छाती पर बैठी हुई अशुद्ध आत्मा निकल जाए अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से, इनके मन में बैठी हुई अशुद्ध आत्मा, इनके मन को निर्मल करने वाली अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। अभी यीशु के नाम से हम तेरा विरोध करते हैं और अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा हमसे मिला जाए। पवित्र आत्मा आ जाओ, आप बहुत मंत्र हो पवित्र आत्मा। अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा हम हर एक को भर दो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ उतरने दो, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ उतरने दो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आ जाओ, हम आपको बुलाते हैं। Thank you.
Thank you.
आपके अभिषेक के लिए, आपके सामर्थ के लिए हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। ऐसी आपकी सामर्थ हमारे ऊपर उतर उतरती रहे, कभी भी रुकी नहीं, उतरती रहे हमेशा। जब तक हम जीवित हैं तब तक आपकी आत्मा की सामर्थ इसी रीति से हमारे ऊपर उतरने का है, और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर एक नई मछली बनकर जिसमें नया दाखरस भरा हुआ है, जिससे कि दोनों मशका भी बचता है और दाखरस भी सुरक्षित रहता है। ऐसे ही हम बने, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबके ऊपर आपको आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगा है, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।